लीगलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और क्या लीगलाइजेशन के लिए आजकल एम्बेसीज़ वाले कोई हिडन इंक्वायरीज कर रहे हैं, कुछ इस तरह की इंक्वायरी कि आपको पता ना हो और वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए बंदा भेज दे और वो बंदा उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन उनकी करके सब की और एम्बेसी को रिपोर्ट देता हो। क्या इस तरह का कोई हिडन इंक्वायरीज वाला सीन है और लीगलाइजेशन क्यों है? मतलब एम्बेसी वाले पहले आपसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है फैमिली वीज़ा की, वो पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उनको अटेस्ट करके वापस दे देते हैं, फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ और इस वक्त वो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करते लेकिन पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा कर दे देते हैं। तो ये लीगलाइजेशन क्यों है? ये सवाल एक आया था कि लीगलाइजेशन क्यों है, और कभी कभार ये सवाल आता रहता है। और आजकल एक खबर चल रही है कि कुछ हिडन इंक्वायरीज हो रही हैं, एम्बेसी वाले इंक्वायरीज करवा रहे हैं लेकिन एप्लीकेंट को पता नहीं है कि वो उनके डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी वगैरह हो रही है। तो इन दोनों बातों के मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो बहुत दो बातें वीडियो के शुरू में बयान कर दी गई हैं, जो बता दी गई हैं, उनके मुतलक बात होगी। तो पहली बात तो यह है कि लीगलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। लीगलाइजेशन में इस चीज़ को आप देखें कि अम्बेसी वाले एक ही वक्त में एक ही दफ़ा में आपसे पूरी फाइल क्यों नहीं ले लेते। वो आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल लेकर जाते हैं, वो पहले आपके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स लेकर रख लेते हैं, कहते हैं पहले ये लीगलाइज होकर आएंगे एम्बेसी से, जब ये एम्बेसी से वापस आएंगे फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी ने लीगलाइज करके दिए हैं ये आप दोबारा जमा करवाएंगे और साथ पासपोर्ट भी देंगे। तो ये चीज़ क्यों है? तो कुछ चीज़ें होती हैं प्रोसेस की इस तरह के, वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का हिस्सा होती हैं। अब ये फॉर्मेलिटीज़ क्यों हैं, ये प्रोटोकॉल्स क्यों हैं? जब मुझे ये सवाल पूछा गया तो मेरे जहन में एक छोटी सी मिसाल आई थी, लेकिन वो मिसाल मैं वीडियो में नहीं आपको इशारातन बता देता हूँ कि कब्रिस्तान के बाहर खड़े एक बंदे को किसी ने बताया था ना कि अगर आप इधर वफात पा जाएं तो कितने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना ज़रूरी है। तो यही एक बात है कि कुछ प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना लाजमी होता है। आपका जो पेपर है, अगर आप अपना पेपर यूनियन काउंसिल से लेकर फॉरन ऑफिस से अटेस्ट करवा कर उसकी ट्रांसलेशन करवा कर उसको एम्बेसी में लीगलाइज कर रहे हैं, अब लीगलाइज हुआ पेपर आपके पास है तो अगर आप उस पर गौर करें, एम्बेसी की लीगलाइजेशन की स्टैम्प के अंदर ये चीज़ मेंशन होगी कि हमने ये पेपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए या उनके बिहाफ पर, जैसे कि फॉरन ऑफिस वालों ने इस पेपर को तस्दीक किया है तो हमने फॉरन ऑफिस की तस्दीक को बुनियाद बनाकर इस पेपर को तस्दीक कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है। फॉरन ऑफिस की अटेस्टेशन की बेस पर हमने आपका पेपर लीगलाइज कर दिया है। अब आप फॉरन ऑफिस की स्टैंप्स चेक करें, फॉरन ऑफिस की एक काउंटर साइन की स्टैंप लगी होगी आपके पेपर के ऊपर जिसके अंदर यह लिखा होगा कि फॉरन ऑफिस जो है वो इसमें दर्ज किए गए क्वाइफ का हाँ कहने के ज़िम्मेदार नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरन ऑफिस की नहीं है कि पेज का कंटेंट क्या है, कंटेंट में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, डाटा क्या है, फॉरन ऑफिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये फॉरन ऑफिस की स्टैम्प में मेंशन होता है। और फॉरन ऑफिस ने आपका पेपर क्यों अटेस्ट किया है जबकि वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है? तो फॉरन ऑफिस का आपका जो पेपर है, बर्थ सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है यूनियन काउंसिल से या FRC आपने लिया है नादरा से, तो फॉरन ऑफिस वाले नादरा की बेस पर या फिर आपके यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी की जो स्टैंप लगी हुई है, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की स्टैंप की बेस पर फॉरन ऑफिस वालों ने आपका पेपर अटेस्ट किया है। यानी कि थ्रू आउट द पेपर अम्बेसी ने भी नहीं चेक किया, फॉरन ऑफिस ने भी नहीं किया और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने जो डिटेल्स इंटर की हैं उसने एक आपको प्रीव्यू प्रिंट दिया था रफ प्रिंट देखने के लिए कि आपने जो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की हैं क्या वो दुरुस्त हैं, तो वो डिटेल्स आपने दी हैं। आपकी बताई हुई डिटेल पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल स्टैंप और साइन कर रहा है, उसके बाद उसको फॉरन ऑफिस अटेस्ट कर रहा है, उसके बाद वो एम्बेसी उस पेज को लीगलाइज कर रही है। ये फॉर्मेलिटीज़ हैं एक पेपर के ओरिजिनल होने की बुनियाद पर जो कि की जाती है। अब इसमें मसला क्या है, आप डाटा इंटर करेंगे, आपका फैमिली नंबर एक होता है और एक कह लें कि पूरा सीरियल चल रहा होता है ख़ानदान का,
उसके मुताबिक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल आपके डाटा को इंटर करेगा। उसके बाद फार्म ऑफिस में आपका सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की बुनियाद पर फार्म ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करेगा। पहले आपका यूनियन कौंसिल ने आपसे तस्दीक करवाई, सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, आपने कहा जी पेपर ठीक है, सेक्रेटरी ने कहा पेपर ठीक है, फॉरन ऑफिस में गया, फॉरन ऑफिस ने देखा, सेक्रेटरी ने कहा ठीक है, फॉरन ऑफिस ने भी कहा ठीक है, अम्बेसी में गया, अम्बेसी ने कहा, फॉरन ऑफिस ने कहा ठीक है, अम्बेसी ने भी कहा जी ठीक है। ये आपके एक पेपर की वेरिफिकेशन का प्रोसेस था जिसमें से ये बनकर गुजर कर पेपर आपको बनकर मिला है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ एक जेन्युइन एप्लीकेंट के पेपर में होना लाजमी है। इतने फेज से जब पेपर गुजरेगा तो एक मेन एप्लीकेंट, जेन्युइन एप्लीकेंट जो होगा, जो एक बनावटी पेपर नहीं होगा, वही इस जगह से गुजरकर आगे अम्बेसी तक जाएगा। दूसरा ये है कि अम्बेसी वाले उसको फॉरन ऑफिस के डाटा के ऊपर स्कैन करके चेक करते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से वो चेक करते हैं या करवाते हैं या पूछते हैं, जैसे भी उनका तरीकाकार है, या फिर नादरा के रिकार्ड से वो इसको खुद चेक करते हैं। तो अम्बेसी वाले इसको एटलीस्ट इतना चेक करते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने पेपर दे दिया, वो फार्म ऑफिस की बुनियाद पर ही उसको लीगलाइज़ कर दें। अब लीगलाइजेशन जो आपकी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, वो इसलिए ज़रूरी थी कि पता चल जाए कि ये वाला एप्लीकेंट अपनी फाइल सबमिट करवाने के लिए आ रहा है, किस एप्लीकेंट की फाइल सबमिट हो रही है, ये जिसका पेपर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल, फॉरन ऑफिस और अम्बेसी ने लीगलाइज किया है। तो ये है फॉर्मेलिटी लीगलाइजेशन का प्रोसेस पूरा करने के लिए, और इस वजह से लीगलाइजेशन ज़रूरी है। और रही बात हिडन इंक्वायरीज़ की, हिडन इंक्वायरीज़ अम्बेसी वाले नहीं करते करवाते। अम्बेसी वाले या तो स्पेन अम्बेसी वाले जैसे आपसे डायरेक्ट इंक्वायरी करवा लेते हैं, या फिर इटली अम्बेसी वाले आजकल लीगलाइजेशन के लिए इंक्वायरी वगैरह नहीं करवा रहे, तो वो डाटाबेस चेक करते हैं ऑनलाइन। नादरा के रिकॉर्ड में वो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की स्टैम्प देखकर, वो यूनियन कौंसिल का नंबर देखकर, उससे वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे उस डाटा की, और इस तरह वो वेरीफाई करके आपके पेपर को अटेस्ट करके लीगलाइज करके आपको दे देंगे। और वीज़ा के वक्त भी अम्बेसी वाले आपका जो पेपर उन्होंने आपको लीगलाइज करके दे दिया है, उसी की बेस पर आपको वीज़ा दे देंगे। कोई हिडन इंक्वायरीज़ इस तरह की वो नहीं करवा रहे कि वो बंदा भेज दे और आपको पता भी ना हो, और वो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से मिले और आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करे और अम्बेसी को जाकर रिपोर्ट दे, इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन ही चेक हो रहे हैं। तो आई होप कि मैं जो बात मैंने की है आपकी समझ में आ गई होगी। अपनी तरफ से तो मैंने आसान आसान से आसान करके बताने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं कोई गुंझलें पड़ गई होंगी, तो थोड़ा सा आप इसको दोबारा सुनकर समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि लीगलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है कि बाद में पता चले कि किस एप्लीकेंट की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल आपके पास आ रही है और हिडन इंक्वायरीज नहीं हो रही। तो ये रही आज की वीडियो, अगर पसंद आ गई है वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।